70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाली खूबसूरत अदाकाराओं में से एक रेखा की खूबसूरती के आज भी लोग दीवाने हैं। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1970 में मोहन सहगल की फिल्म सावन भादों से की थी, जिसके बाद उन्होंने दर्जनों हिंदी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और डांस का जलवा दिखाया, जो आज भी फैंस को मंत्र मुक्त कर देती है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद रेखा के जीवन में एक घनघोर अंधेरा छा गया। जी हाँ, रेखा ने अपने करियर में खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कामयाब। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की थी, लेकिन कामयाब एक भी नहीं पाई। रेखा के पहले पति मुकेश अग्रवाल थे, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और रेखा ने बेतहाशा प्यार करते थे, लेकिन वो कभी रेखा से अलग नहीं। लेकिन दोनों के जीवन में ये समय भी आया जब दोनों ने तलाक ले लिया था। आखिर क्या था वो रीजन? आखिर इतना प्यार करने वाला पति क्यों पीटता था रेखा को? आखिर इतना प्यार करने वाले पति से क्यों अलग हो गई रेखा? क्या थे सारे कारण? आपको पता चलेंगे हमारे इसी वीडियो में। जाने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। बता दें कि उस दौर में मुकेश अग्रवाल काफ़ी समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसकी वो दवाइयाँ भी लिया करते थे। उनकी इस परेशानी की पीछे की कई वजहें थी, जिनमें से एक रेखा का फिल्मों में काम करना और शूटिंग के चलते लंबे समय तक घर से बाहर रहना था। दरअसल मुकेश रेखा से दूर नहीं रहना चाहते थे, साथ ही वो चाहते थे कि रेखा फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे और उनके साथ ही रहे। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक तो उन्होंने साल 1990 में शादी कर ली। तब पूरे देश को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसमें बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का भी नाम शामिल है। हालांकि उन्होंने ये बात कभी भी पत्नी रेखा के साथ शेयर नहीं की। जब रेखा को पता चला तो उनके रिश्तों में दरार आने लगी। रेखा का यह एहसास होने लगा था कि उनकी शादी ज़्यादा नहीं चल पाएगी। मुकेश रेखा लगातार फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कहा करते थे, जिसके बाद रेखा ने उनके सामने ये शर्त रखी कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी। मुकेश उस समय अपनी परेशानियों से भी जूझ रहे थे और रेखा अपने नाम पर लौट आई। और अपने काम पर वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुकेश का व्यवहार दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन उन्होंने तलाक को लेकर अलग होने का फैसला किया। हालांकि ये तलाक मुकेश की ज़िंदगी के लिए बड़ा अंधकार साबित हुआ और उन्होंने तलाक के 6 महीने के बाद सुसाइड कर लिया, जिसका इल्ज़ाम रेखा के सर लगा। बेटे के मौत के बाद रेखा की सास उनको ताने मारने लगी थी और मुकेश के पूरे परिवार ने उनकी मौत का इल्ज़ाम रेखा के सर मर दिया। आज भी रेखा की मांग में लाल सिंदूर नजर आता है, लेकिन वो किसके नाम का है ये किसी को पता नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि ये सिंदूर है किसके नाम का? हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहना।